अब तक आपने देखा असुर राज जंबिकासुर अपनी शक्ति से सूर्य का सारा तेज खींचकर उसे निस्तेज कर देता है। इसके पश्चात वो स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर देवताओं को पलायन करने पर विवश कर देता है। जंबिकासुर माता के शक्तिपीठ पर भी आक्रमण करता है। सर्वानंद भैरव उसे रोकने का प्रयास करते हैं किंतु वो उन्हें भी शक्तिहीन कर देता है। अंत समय में माता शंकरी सर्वानंद भैरव और देवताओं के साथ अदृश्य होकर उनकी प्राण रक्षा करती हैं और सर्वानंद भैरव के भीतर से नकारात्मक शक्ति निकालकर उनके शक्ति चक्र पुनः जागृत करने का अनुष्ठान आरंभ करती हैं। जंबिकासुर पुनः आक्रमण कर सभी देवताओं को बंदी बना लेता है। फिर वो कैलाश पर पहुंच महादेव को हिम समाधि में बंद कर उनका त्रिशूल प्राप्त कर लेता है। सर्वानंद भैरव भगवान विष्णु के पास वैकुंठ लोक पहुंचते हैं किंतु तब तक जंबिकासुर उन्हें भी बंदी बनाकर उनका सुदर्शन चक्र प्राप्त कर लेता है। माता गायत्री और सर्वानंद भैरव ब्रह्मदेव को जंबिकासुर से एक बार बचाने में सफल हो जाते हैं किंतु जंबिकासुर शक्तिपीठ पर आक्रमण कर उन्हें भी बंदी बना उनका ब्रह्मास्त्र प्राप्त कर लेता है। अब आगे अब क्या होगा देवी सरस्वती? संसार में ऐसा कभी नहीं हुआ कि समस्त शक्ति एक असुर के हाथ में चली गई हो। त्रिदेव की त्रिशक्ति को प्राप्त करने के बाद जंबिकासुर इतना शक्तिशाली हो गया है कि संसार में कोई भी उसका सामना करने में सक्षम नहीं है। जंबिकासुर के पास केवल त्रिदेव की ही शक्ति नहीं, अपितु स्वयं ब्रह्मा और विष्णु उसके बंदी है और महादेव को उसने हीम समाधि में बंदी बना लिया है। अब उसे रोकने वाला कोई भी प्रतीत नहीं होता। न जाने वो ब्रह्मा विष्णु महेश और देवताओं की संवेद शक्ति से संसार में क्या विनाश लीला रचेगा। कुछ भी हो देवी, संसार की रक्षा का दायित्व अब हमारा है। किंतु कैसे सर्वानंद भैरव? कौन है जो उसका सामना करेगा? उसके पास केवल देवताओं की ही नहीं, वो दिव्य शक्ति भी है जिससे वो किसी की भी शक्ति को सोख सकता है। आज से समस्त संसार में नए युग का प्रारंभ होगा। आज तक संसार पर देवताओं ने राज किया है किंतु अब असुरों के राज में देवताओं का वर्चस्व समाप्त और इसका प्रारंभ होगा सूर्य के वर्चस्व को समाप्त करके। सूर्य आज तक संसार में दिवस को श्रेष्ठ और पवित्र समझा जाता था किंतु अब रात्रि का प्रभाव होगा। रात्रि में किए जाने वाले हर व्यवहार जिसे आज तक संसार कुकर्म की संज्ञा देता था, अब से वो रात्रि के स्वामी चंद्र के प्रकाश में होगा। असुरों के इस संसार में सदैव हिमपात होता रहे, शीत में डूब जाए ये समस्त संसार। जंबिकासुर ने अपनी विनाश लीला प्रारंभ कर दी है। इसे रोकने का केवल एक ही उपाय है, जंबिकासुर से उसकी दिव्य शक्ति छीन ली जाए। रामदेव के अनुसार ये कार्य केवल व्योम ऋषि ही कर सकते हैं। मुझे शीघ्र ही उन्हें खोजना होगा। नारायण नारायण, संसार में असुर युग का प्रारंभ हो चुका है और प्रारंभ में ही अनेक जीव अपने प्राण खो चुके हैं। पशु पक्षी यहाँ तक कि मानव भी भयभीत हैं। हमें ज्ञात है देव ऋषि, परंतु इसे रोकने का अब कोई उपाय खोजना होगा। कौन कहां क्या कर रहा है, ये सब बातें करते रहने से कुछ नहीं होगा। संयम रखिए सर्वानंद भैरव, इस अंतिम युद्ध में
केवल संयम की ही विजय होगी। जो भी अधीर होकर कार्य करेगा वो अपने पराजय का मार्ग स्वयं प्रशस्त करेगा। नारायण नारायण। माते, भैरव तो रुद्र का अंश है और अधीरता तो इनका स्वभाव है, यही इनकी शक्ति भी है और यही इनकी दुर्बलता भी। देव ऋषि, आप तो सब जानते हैं, संसार को इस अनर्थ से बचाने के लिए योम ऋषि को खोजने में हमारी सहायता कीजिए। हाँ सर्वानंद भैरवनाथ, हमने अनेकों से उनके विषय में ज्ञात किया किंतु सभी का एक ही उत्तर है, नहीं। वर्षों से किसी ने उन्हें नहीं देखा, किसी को ज्ञात नहीं कि वे कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। लोगों ने वर्षों से उन्हें नहीं देखा किंतु वर्षों ने उन्हें अवश्य देखा होगा। समय ही एक ऐसा साक्षी है जो हर पल हो रहे परिवर्तन को देखता है। देव ऋषि, अब हमें समय देव का आवाहन करना होगा। नारायण नारायण, उचित कह रही हैं आप माते, उचित कह रही हैं। हम सभी को समय देव का आवाहन करना चाहिए। हे भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता, हे संसार के हर घटना के साक्षी, समय देव प्रकट हो। हे भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता, हे संसार की हर घटना के साक्षी, समय देव प्रकट हो। हे भूत भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता, हे संसार में होने वाले समस्त घटनाक्रम के साक्षी, समय देव कहाँ हैं आप? कृपा करके हमारी सहायता कीजिए, दर्शन दीजिए, प्रकट होइए। प्रणाम समय देव। हे समय देव, इस संकट की घड़ी में केवल आप ही हमारी सहायता कर सकते हैं। कृपया ये बताएं कि व्योम ऋषि अंतिम बार कहां दिखाई दिए थे और उनकी दिव्य शक्ति का क्या हुआ? ऋषिवर, मैं आपकी शरण में रहकर आपसे ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं। मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लें। ऋषिवर, मैं तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार नहीं कर सकता जम्बिकासुर। गुरुदेव, मैं असुर हूं, इसी कारण आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार नहीं कर रहे ना। किंतु गुरुदेव, मैं केवल जन्म से असुर हूं, मेरे कर्म एक मानव की भांति है। मैं सदैव सत्कर्मी बना रहना चाहता हूँ गुरुदेव। गुरुदेव, यदि आप मुझे अपना शिष्य नहीं बनाएंगे तो मेरे पास एक असुर की भांति कुकर्म के मार्ग के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं बचेगा। गुरुदेव, मुझ पर विश्वास करें। गुरुदेव, मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें। ठीक है, तुम यहाँ रह सकते हो, मैं देखूंगा कि तुम्हारा व्यवहार कैसा है, उसके पश्चात ये तय होगा कि तुम मेरे शिष्य बनने के योग्य हो या नहीं। एक असुर होते हुए भी तुमने जिस प्रकार से मेरी सेवा की है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुम एक सेवाभावी और अच्छे साधक हो। कहो, तुम मुझसे क्या चाहते हो? गुरुदेव, आपने मुझे अपना शिष्य बनाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। गुरुदेव, अब मैं आपकी वो दिव्य शक्ति देखना चाहता हूँ जो चमत्कारिक और असाधारण है। जम्बिकासुर, इस दिव्य शक्ति को तुम क्या
संसार में कोई नहीं समझ सकता है। यह केवल एक शक्ति नहीं, दायित्व है। गुरुदेव, आप दिव्य शक्ति को नहीं समझ पाए। वो दिन दूर नहीं जब मैं दिव्य शक्ति को प्राप्त करूंगा, और गुरुदेव तब मैं दिखाऊंगा आपको मैं कि दिव्य शक्ति का उपयोग किस प्रकार किया जाता है। गुरुदेव जल ग्रहण कीजिए। गुरुदेव ये तुमने क्या किया दोस्त? चिंता मत कीजिए गुरुदेव, इससे आपकी मृत्यु नहीं होगी, केवल आपका शरीर लकवाग्रस्त हो जाएगा। मैंने आपके जल में सांप का नहीं बिच्छू का विष मिलाया है, बिच्छू का विष। तुम हंस मेरे सेवक। तो ये व्योम ऋषि का वाहन है जिसने चंडिकासुर का सेवक बनकर मुझसे युद्ध किया था। समय देव, अब आप हमें ये बताइए कि व्योम ऋषि इस समय कहाँ है? अब केवल वही है जो इस दिव्य दृष्टि का तोड़ बता सकते हैं। क्षमा करे देवी, आगे मैं कुछ नहीं जानता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देव। अब केवल व्योम ऋषि का वाहन हंस ही हमें उन तक पहुंचा सकता है, किंतु वो एक स्वामी भक्त है और इस समय उसकी भक्ति चंडिकासुर के लिए है। इससे पहले मुझे उस पर्वत पर जाना होगा जहां ऋषि व्योम का निवास था। ठीक है सर्वानंद भैरव, आप व्योम ऋषि की खोज में जाएं और मैं जाकर सभी देवताओं को मुक्त कराने का प्रयास करती। यदि समय रहते चंडिकासुर के दस्तान से देवताओं को मुक्त न कराया गया तो उनकी समस्त शक्तियां चंडिकासुर में समाहित हो जाएंगी। चंडिकासुर, मैं तेरी शक्ति को संयुक्त करके एक ऐसी महाशक्ति का निर्माण करूंगा जो अभेद होगी, अजय होगी, सर्वविनाशक होगी। हर हर महादेव।
जम्बिकासुर। अब तुम त्रिलोक के स्वामी हो। इस महाशक्ति को धारण करने का अधिकार केवल केवल तुम्हारा है। आओ और धारण करो इसे। अवश्य गुरुदेव, अवश्य। हे त्रिशक्ति, मैं जम्बिकासुर त्रिलोक पृथ्वी आकाश और पाताल का स्वामी तुम्हें धारण करना चाहता हूं। आओ। ये असंभव है, असंभव। मैं दिव्य शक्ति का स्वामी त्रिलोकपति जम्बिकासुर, मुझ में देवताओं की शक्ति समाहित है। मैं ब्रह्मा और विष्णु की शक्ति का धारक हूं। फिर भी मैं इस शक्ति को धारण क्यों नहीं कर पा रहा हूं गुरुदेव, क्यों? प्रतीत होता है तुम्हारे भीतर समाहित देवताओं और असुरों की शक्ति संयुक्त होकर एक रूप नहीं हो पा रही है। तुम्हें अपनी शक्ति को एक रूप करना होगा, अन्यथा सब व्यर्थ हो जाएगा। गुरुदेव, मुझे त्रिशक्ति को धारण करने के लिए कितना ही कठिन तप क्यों ना करना पड़े, मैं करूंगा गुरुदेव। इस महान शक्ति को धारण करके रहूंगा मैं। प्रतीत होता है यही ऋषि व्योम की कुटिया है, परंतु यहां तो सब कुछ ही हिम से अच्छेदित है। मुझे शीघ्र ही उन्हें खोजना होगा। ऋषि व्योम का कमंडल है और प्रतीत होता है ये उनकी जपमाला है। मुझे व्योम ऋषि के इस वाहन हंस को मनाना होगा। हो जाओ ऋषि व्योम के सेवक, तुम सात्विक हो, तुम्हारा कार्य धर्म की सेवा करना है। तुम ऐसा नहीं मानोगे। ऋषि सेवक, ऋषिवर को खोजने में मेरी सहायता करो। आज संसार की रक्षा के लिए तुम्हारी आवश्यकता है। अपना सात्विक धर्म निभाओ ऋषि सेवक। न जाने जम्बिकासुर ने देवताओं को कहां बंदी बना रखा होगा। मुझे सतर्कता पूर्वक उन्हें शीघ्र ही खोजना होगा। ये कैसी गंध है, इतनी मोहक गंध कहां से आ रही है? Thank you.
जिस भोजन की गंध इतनी मोहक है वो भोजन कितना स्वादिष्ट होगा, ऐसा प्रतीत होता है जैसे मैं जन्म जन्मांतरों से भूखा हूं। मेरी क्षुधा पुनः जागृत हो गई है। कहाँ है वो भोजन? हाँ, और कहाँ है भोजन? इतनी मोहक गंध और कहाँ से आ रही है? हे देवी, तुम कौन हो और इतना स्वादिष्ट भोजन तुम कैसे बना लेती हो? कौन हो तुम देवी, मुझे अपना परिचय दो। मेरा नाम मनिका है असुरराज। मैंने तुम्हें अब से पहले क्यों नहीं देखा? मुझे क्षमा करें असुरराज, किंतु मुझे आपकी दिव्य शक्ति से भय लगता है। यदि मैंने आपकी ओर देखा तो मैं दृष्टि और शक्ति दोनों खो दूंगी। आप संसार में सर्वशक्तिमान हैं। मैं अपने सर्वशक्तिमान राजा के लिए भोजन बनाकर प्रसन्न हूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मनिका, मैं शक्तिशाली अवश्य हूँ, किंतु मेरी शक्ति तुम्हारा कोई अहित नहीं करेगी। देखो देखो मेरी ओर। ये क्या माया है? कौन हो तुम मायाविनी? कौन हो तुम? मैं जगत जननी हूँ जम्बिकासुर, और तुमसे जगत की रक्षा करना मेरा धर्म है। और अब तुम मेरी माया में फंस चुके हो। तो ये है असुरों का बंदी गृह। हमें बंदी गृह की ओर जाना चाहिए। शीघ्र ही देवताओं को मुक्त कराना होगा। ये तो बहुत ही विशाल प्रतीत होता है। देवी, अब देवताओं को खोजने के लिए हमें अलग अलग होकर भिन्न भिन्न दिशाओं में जाना होगा। आप ठीक कहती है देवी गायत्री, चलिए। ये क्या कह रहे हो तुम? अवश्य वो मायावी देवियां पाताल लोक में प्रवेश कर चुकी हैं। ये उन्हीं का कार्य है। सैनिकों, सावधान हो जाओ। तीन मायावी देवियां पाताल लोक में पहुंच चुकी हैं। उन्हें किसी भी मूल्य पर तुम्हें रोकना होगा। जब तक मैं जम्बिकासुर को मुक्त नहीं करा लेता, वायु को भी समीप मत आने देना। जाओ। तो यहां है प्रभु विष्णु। इन्हें मुक्त कराने के लिए मुझे इन रक्षक असुरों से निपटना होगा। ये आपकी क्या दशा हो गई स्वामी? मैं आपको और अधिक इस अवस्था में नहीं देख सकती।
तो यहां बंदी है ब्रह्मदेव। देवी सरस्वती, आप ब्रह्मदेव और देवी लक्ष्मी को लेकर यहां से प्रस्थान कीजिए और मैं जाकर अन्य देवताओं को खोजती हूँ। संभवतः सर्वानंद भैरव को मेरी आवश्यकता हो, इसलिए मैं कुछ समय यहीं रुकती हूँ, किंतु आप शीघ्रता कीजिए, प्रस्थान करें दीदी। जैसा आप उचित समझे देवी गायत्री। सुर पाताल लोक के सारे द्वार बंद कर दो किसी भी मूल्य पर। वो देवी पाताल से बाहर नहीं जानी चाहिए, नहीं जानी चाहिए। शीघ्रता करो गुरुदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुदेव। भोजन की मोह गंध ने मुझे मोहित कर दिया था। जम्बिकासुर ने पूरी असुर सेना हमारे पीछे भेज दी है। देवी, हमें शीघ्र ही यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए। कहाँ चली गई है? पकड़ो उन्हें। सुनो देवी, तुम ब्रह्मा और विष्णु को लेकर जा सकती हो, किंतु उनकी शक्तियों को लेकर नहीं जा सकती। हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, तेरी शक्ति अब भी हमारे पास है और उसके रहते हमें किसी देवता की आवश्यकता नहीं है। तुम अपना सारा ध्यान अपनी ऊर्जा को एक रूप करने पर केंद्रित रखो। गुरुदेव, सर्वानंद भैरव व्योम ऋषि को खोजते हुए वेताल की गुफा तक पहुंच गया है। क्या उसे वहां का पता किसने बताया? व्योम ऋषि का हंस वाहन उसे वहां तक ले गया है। श्वेत सत्य का प्रतीक होता है, किंतु ये पक्षी श्वेत होकर भी विश्वास पात्र नहीं है। जम्बिकासुर, मैंने कहा ना तुमसे, अपनी ऊर्जा को एक रूप करने पर ध्यान केंद्रित करो। भैरव को मैं देखता हूँ, वो ये नहीं जानता कि वो मेरे कारागृह में प्रवेश कर गया है, जहाँ सब कुछ मेरे नियंत्रण में चलता है। मैं जानती थी कि भैरव को अवश्य ही मेरी आवश्यकता पड़ेगी। हमारी योजना सफल हो रही है, अंततः जीत धर्म की ही होगी। हंसदेव, व्योम ऋषि कहाँ है? ऋषिवर यहीं कहीं हैं सर्वानंद भैरव। शुक्राचार्य ने उन्हें इन्हीं गुफाओं में छिपाया है। यहाँ की हर वस्तु, हर क्रिया को शुक्राचार्य नियंत्रित करते हैं। केवल वही जानते हैं कि ऋषिवर कहाँ हैं। शुक्राचार्य तो हमें ऋषिवर का पता नहीं बताएंगे, हमें स्वयं ही उन्हें खोजना होगा। हमारे पास समय बहुत कम है। ये है गुफा का द्वार। ओम नमः शिवाय। आगे का मार्ग मैं कैसे तय करूंगा? ये मेरा मस्तिष्क है सर्वानंद भैरव,
जिसमें तुम पूरी तरह से फंस चुके हो, तुम यहां से बाहर नहीं निकल सकते। यदि मेरा एक पग फिसला, मैं सीधे लावा में जाऊंगा। हे देवी, सहायता करिए। यही समय है त्रिशक्ति को मुक्त कराने का। हे देवी, सहायता करो। ये तो सर्वानंद भैरव का स्वर है, मुझे उनकी सहायता करनी चाहिए। तो ये शुक्राचार्य का मस्तिष्क है जिसमें भैरव को फंसा लिया है। इस खाई को पार करने का केवल एक ही उपाय है, इन तैरते चट्टानों पर पैर रखकर जाना। यदि चट्टान पिघल गई, परिणाम होगा मृत्यु। अगली चट्टान पर कूदो भैरव। अब तीसरी पर कूदो। अब अपने दाएं से सातवीं चट्टान पर। यह सामर्थ्य केवल देवी में है। ओ सैनिकों, देवी अब भी पाताल लोक में है, खोजो उसे, बंदी बना लो। सब और देखो, देवी यहीं कहीं होगी, उसे पकड़कर बंदी बनाना है। इस द्वार में प्रवेश करूं या नहीं, मुझे देवी के निर्देश की प्रतीक्षा करनी चाहिए। द्वार में प्रवेश करो भैरव। देवी, मेरे मस्तिष्क में कई परतें हैं, तुम पूरी तरह से मेरे मस्तिष्क को पढ़ नहीं सकती हो। ये सब एक भ्रम है सर्वानंद भैरव, तुम सीधे ही चलते रहो। मेरे मस्तिष्क में शेन लगाकर मेरी माया को तोड़ दिया। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। गुरुदेव, आप इतने विचलित क्यों हैं? क्या सर्वनंद भैरव व्योम ऋषि तक पहुंच गया है? नहीं, मरकांग वहां का रक्षक है, उसे आगे जाने नहीं देगा। महर्षि व्योम, मैं शक्तिपीठ का रक्षक सर्वानंद भैरव हूं, आपको यहां से ले जाने आया। आपकी दिव्य शक्ति का दुरुपयोग करके चंबिकासुर ने समस्त देवताओं को बंदी बना लिया है और त्रिदेव की शक्तियों को अपने अधिकार में कर लिया है। तीनों लोकों में त्राही त्राही मच गई है महर्षि, अब संसार की रक्षा की अंतिम आशा आप ही हैं। जय भूमणि शक्ति। दुर्गलाल तन विकराल बाहु विशाल उन्नत विद्रूप विद्वंसक मति मधुमत गज दीशाल है। निर्भय निरंकुश ये निशाचर कौन है? प्रतीत होता है जंबिकासुर ने त्रिशक्ति को धारण कर लिया है, अब संसार का अंत निश्चित है। नारायण नारायण, जिसका भय था वही हो रहा है।
शक्ति के लक्षण बता रहे हैं कि चंबिकासुर ने तेरी शक्ति को धारण कर लिया है। मुझे सप्त ऋषि के पास लेके चलो भैरव। एक वही है जो चंबिकासुर के हाथों संसार का सर्वनाश रोकने का मार्ग बता सकते हैं। ब्रह्मांड के समस्त ग्रहों नक्षत्रों, मैं त्रिलोक और त्रिशक्ति का स्वामी चंबिकासुर तुम्हें आदेश देता हूं, मेरी अधीनता स्वीकार कर लो। मैं चंबिकासुर त्रिशक्ति का स्वामी तीनों लोक पृथ्वी आकाश और पाताल में कोई नहीं जो मेरा सामना कर सके। मैं हूं सर्वशक्तिमान। अब संसार को असुरों से कोई संकट नहीं, क्योंकि अब असुर ही है संसार के स्वामी। अब संसार को शक्ति पीठ की कोई आवश्यकता नहीं। अब समय आ गया है संसार की रक्षा करने वाले शक्ति पीठ को नष्ट कर दिया जाए। नष्ट शक्ति पीठ को नष्ट करने की चेष्टा करने वाले दुष्ट शक्ति पीठ के रक्षक सर्वानंद भैरव अब भी जीवित हैं। हमें हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना होगा। आप ठीक कहती हैं देवी सरस्वती। देवी, हमें अब भैरव को सूचित करना होगा। मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था सर्वानंद भैरव। मैं जानता था आप अवश्य आएंगे, किंतु मैं ये नहीं जानता था कि आप मेरे आध्यात्मिक मौत्र व्योम को साथ लाएंगे। मैं इन्हें मिलकर बहुत प्रसन्न हूँ। ऋषिवर, दिव्य शक्ति और त्रिशक्ति का स्वामी बनकर चंबिका स्वराजय और अमर बन गया है। अब संसार में ऐसा कोई नहीं है जो उसका सामना कर सके। नहीं भैरव, अस्त्र शक्तिशाली अवश्य होता है, परंतु महत्वपूर्ण ये है कि उसे धारण कौन कर रहा है। आप सत्य कह रहे हैं गुरुदेव, संसार में आपसे अधिक ज्ञानी और कौन है। शूल है भैरव, आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। आप संसार की अंतिम आशा है भैरव, अब आप ही इस संसार को बचा सकते हो। देवियों, मैं त्रिलोक जय चंबिकासुर, मैं तुम्हें चुनौती देता हूं, तुम्हें और तुम्हारे शक्ति पीठ को मेरे हाथों नष्ट होने से संसार की कोई शक्ति नहीं बचा सकती। चंबिकासुर, तुमने संसार में जितना विनाश करना था उतना कर लिया। अब तुम्हारा अंत निश्चित है। मैं तुम्हें ऐसे मारूंगा कि संसार सदियों तक ये याद रखेगा। पहले तुम
अपने प्राणों की चिंता करो सर्वानंद भैरव। ये असंभव है, असंभव है। ये कौन सा अस्त्र है ये जो दिव्य शक्ति को रोक सकता है? दुष्ट का अंत हुआ। नहीं, नहीं, मैं पुनः सफल हो गया, ये नहीं हो सकता। सर्वानंद भैरव, आपने ये सिद्ध कर दिया कि आप सचमुच संसार के रक्षक हैं। आप ही अंतिम आशा है। संसार आपके बल से, आप धन्य हैं। ये सब माता जगत जननी की कृपा है देवराज। मैंने तो केवल अपना कर्तव्य निभाया है। और आप अपना कर्तव्य निभाने में पूर्णतः सफल रहे सर्वानंद भैरव। आज से सदा के लिए आप इस शक्तिपीठ के रक्षक रहेंगे। जैसी आपकी आज्ञा।